फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। ये फ्रेंड्स एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिस कोर्स में हम एपीआई क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, और हम यूज़ करने वाले हैं लारावल के 10th वर्जन। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन। ये कंप्लीट वीडियो है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको एपीआई डेवलपमेंट सीखना है लारावल के साथ, पासपोर्ट के साथ, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने बिना स्किप किए इस वीडियो के सारे कंटेंट को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया अपने एप्लीकेशन में, तो आई एम 100% श्योर कि आप APIs क्रिएट कर सकोगे लारावेल को यूज़ करके, पासपोर्ट को यूज़ करके, वो भी बिल्कुल ईजियर मेथड्स के साथ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पर अपलोड करते रहें। ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, जिसमें हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। इस वीडियो का ये कंप्लीट प्लेलिस्ट प्लान है, जहां हम देखने वाले हैं लारावेल इंस्टॉलेशन के साथ साथ एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस। इस कंप्लीट वीडियो को स्किप मत करना, अगर आपने स्किप किया तो मे बी आप एक कॉन्सेप्ट को मिस कर सकते हो। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन। एक बार सेटअप को हमने इंस्टॉल कर लिया, देन हम कनेक्ट करेंगे एक डेटाबेस के साथ। हम क्रिएट करने वाले हैं एपीआई कंट्रोलर क्लास, और उस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं एपीआई मेथड्स, और वो मेथड्स वही होने वाले हैं जिन मेथड्स को यूज करके हम एपीआईज को क्रिएट कर सकेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट कि पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन क्या है, किस तरीके से हम लारावेल में इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फिगर करते हैं, और किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल अबाउट एपीआई राउट्स। यहाँ पर हम देखेंगे दो टाइप के राउट्स के कॉन्सेप्ट, जैसे कि ओपन राउट्स एंड प्रोटेक्टेड राउट्स। और इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद, फ्रॉम इंस्टॉलेशन अप टू एपीआई राउट्स, देन हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल अबाउट एपीआई डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जहां हम देखेंगे रजिस्टर यूजर एपीआई कॉन्सेप्ट, लॉग इन एपीआई कॉन्सेप्ट, प्रोफाइल एपीआई कॉन्सेप्ट एंड लॉगआउट एपीआई कॉन्सेप्ट। ये कंप्लीट वीडियो है। बिना स्किप किए हर चीज को, हर उस मेथड्स को जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, आप उसे अपने एंड पे भी इंप्लीमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लारावेल के सेटअप को इंस्टॉल करूंगा। सेटअप इंस्टॉलेशन के लिए मैं जाऊंगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे लारावेल.com। मैं क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन, और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे हम सर्च करने वाले हैं कंपोजर। यहां पर देख सकते हैं बेसिकली ये कमांड है। इस कमांड के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे लारावेल सेटअप को, और मैं यूज करने वाला हूं कंपोजर। हम इस कमांड को कॉपी करेंगे, स्लाइड पे जाएंगे। अगर हम एक न्यू टैब ओपन करें, एक बार अगर इस कमांड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं, यहां पर है कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस लारावेल फॉरवर्ड स्लैश लारावेल स्पेस एग्जाम्पल हाइफन ऐप। इस कमांड का मतलब है कि हम कंपोजर को यूज करने वाले हैं टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो लारावेल जैसा होगा, लारावेल का प्रोजेक्ट होगा। और आफ्टर इंस्टॉलेशन जो हमारे पास सेटअप आएगा, दैट इज एग्जाम्पल हाइफन ऐप। इस डमी सेटअप के नेम को मैं चेंज करूंगा लारावेल हाइफन पासपोर्ट हाइफन APIs। अब हम इस कंप्लीट कमांड को कॉपी करेंगे, प्रोजेक्ट टर्मिनल पे जाएंगे। इस वक्त मैं हूं वेर www.html/yt/api/tutorials। अगर मैं टाइप करूं ls, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि लारावेल JWT APIs एंड Sanctum APIs। अब हम इस कमांड को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूं, ये स्टार्ट करेगी। हम देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड सक्सेसफुली जो इंस्टॉलेशन हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर में। ये रहा वो सेटअप लारावेल हाइफन पासवर्ड हाइफन APIs। अब मैं इसे ओपन करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपके सिस्टम में VS कोड है, आप उसमें ओपन कर लो, या कोई और एडिटर अगर आपको पसंद हो, उस पर काम करते हो, तो आप इसे वहाँ ओपन कर सकते हो। मैं ओपन करने वाला हूँ इस सेटअप को मैं अपने VS कोड एडिटर में। राइट क्लिक, ओपन विथ अदर एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो कोड। मैं क्लिक करूँगा सेलेक्ट बटन पे। सक्सेसफुली मैंने वो सेटअप मैंने अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। इस वक्त इस सेटअप में कोई भी सेटिंग्स करने से पहले, सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपने ब्राउजर में। मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, और अगर मैं टाइप करूं ls, ये सेटअप हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है लारावेल हाइफन पासवर्ड हाइफन APIs। इसके अंदर जाऊंगा cd लारावेल हाइफन
पासपोर्ट हाइफन APIs। इस सेटअप के अंदर के आने के बाद हम टाइप करने वाले हैं PHP Artisan और ये हमारे पास एक कंप्लीट कमांड लिस्ट है, मीन्स Artisan कमांड लिस्ट। इस कमांड लिस्ट में मैं जाऊंगा इसके टॉप वाले सेक्शन में जहां पर हमारे पास एक सेक्शन है दैट इज अवेलेबल कमांड्स। यहां पर हम एक कमांड देख पाएंगे जैसे कि सर्व। इस सर्व कमांड को यूज करके हम स्टार्ट करने वाले हैं PHP डेवलपमेंट सर्वर। सो चलिए यूज करते हैं। सो इस लाइवल एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं सर्व कमांड PHP Artisan सर्व। मैं एंटर प्रेस करूंगा। सो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें इस URL को ओपन करना है। मैं इसे कॉपी करूंगा। सो कॉपी लिंक, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, न्यू टैब, और ये रहा हमारा लावेल वर्जन 10 का लैंडिंग पेज। सो सक्सेसफुली हमने सेटअप को इंस्टॉल कर लिया है, साथ ही साथ उसे एक्सिक्यूट भी कर दिया है। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लावेल इंस्टॉलेशन, ये सक्सेसफुल तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं डेटाबेस कनेक्शन। सो उसके लिए सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम अपने सेटअप में ENV फाइल के थ्रू हम उसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। मैं जाऊँगा ब्राउजर पे, phpMyAdmin, क्लिक ऑन डेटाबेसेस, और यहाँ पर हमें एक डेटाबेस के नेम को पास करना है। सो yt_lavel_passport_APIs। मैं इस नेम को कॉपी कर लूँगा, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पर इस सेटअप में मैं ओपन करने वाला हूँ .env फाइल, स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल फाइल्स। ये एक तरह के कांस्टेंट होते हैं, ग्लोबल कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम एप्लीकेशन के किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप .env फाइल में कुछ वेरिएबल्स को देख सकते हो जैसे कि db कनेक्शन, db होस्ट। सो इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करके हम डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। सो db होस्ट, ऑब्वियसली हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये IP जो है वो परफेक्ट है। डेटाबेस नेम, अभी हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया है, मेरे केस में phpMyAdmin का जो यूज़र नेम है वो admin और जो पासवर्ड है admin@123। आपके केस में यह डिफरेंट हो सकता है। सो सक्सेसफुली हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया और उसे अपने एप्लीकेशन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। सो ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ API कंट्रोलर क्लास एंड मेथड सेटिंग्स। सो इस वाले सेक्शन में हम एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, वो हमारा मेन कंट्रोलर क्लास होगा, कहले वो API कंट्रोलर क्लास होगा, जिसके अंदर हम मेथड्स को क्रिएट करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं, और उन्हीं मेथड्स के थ्रू हम फर्दर इसी वीडियो में APIs को क्रिएट करेंगे। सो लावेल में हमारे पास कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल कंट्रोलर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्स कंट्रोलर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रीफर करने वाला हूँ नॉर्मल कंट्रोलर क्लास, और उस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना कस्टम मैथड्स। सो नॉर्मल कंट्रोलर क्लास क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ phpArtisan कमांड। सो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे। सबसे पहले हम इस डेवलपमेंट सर्वर को हम स्टॉप कर देते हैं और मैं टाइप करने वाला हूँ phpArtisan। सो इस कमांड लिस्ट में हमारे पास एक सेक्शन है मेक। इस वाले सेक्शन में हमारे पास एक कमांड है कॉल मेक कंट्रोलर। इस कमांड को यूज करके हम क्रिएट करने वाले हैं नॉर्मल कंट्रोलर क्लास। एक बात और, जो भी कंट्रोलर क्लास हम क्रिएट करने वाले हैं बाय डिफॉल्ट वो स्टोर होगी ऐप HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर, बट यहां पर मैं इस फोल्डर में स्टोर करने के बजाय हम क्रिएट करने वाले हैं एक सब फोल्डर जैसे कि API, और API सब फोल्डर के अंदर हम स्टोर करेंगे API कंट्रोलर क्लास। मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे। हम यूज करने वाले हैं मेक कंट्रोलर कमांड। सो phpArtisan मेक कंट्रोलर, सबसे पहले हमें API सब फोल्डर क्रिएट करना है। सो API/, और उसके बाद होगा हमारा कंट्रोलर क्लास नेम। सो API कंट्रोलर। अगर आपने API को मैन्युअली यहाँ क्रिएट किया है API सब फोल्डर को, तो ये फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। अदरवाइज सबसे पहले एक्सिक्यूशन से पहले, क्रिएट करने से पहले ये चेक करने वाला है कि ये सब फोल्डर एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो कोई क्रिएशन नहीं होगा, अदरवाइज सबसे पहले ये सब फोल्डर क्रिएट करेगी और उस सब फोल्डर के अंदर इस फाइल को स्टोर करेगी। सो मैं प्रेस करने वाला हूँ एंटर। हम देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर क्लास क्रिएट हो चुका है।
मैं जाऊंगा एडिटर में, सो कंट्रोलर्स एपीआई, और ये रही हमारी एपीआई कंट्रोलर क्लास। नेक्स्ट हम इसी नॉर्मल कंट्रोलर क्लास में हम क्रिएट करने वाले हैं एपीआई मेथड्स। सो यहाँ पर इस कोर्स में, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई एंड लॉगआउट एपीआई। सो इन सभी को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, बट इनके मेथड्स को हम क्रिएट करने वाले हैं इस एपीआई कंट्रोलर क्लास में। सो सबसे पहले मैं क्रिएट करने वाला हूँ रजिस्टर एपीआई, और यहाँ पर इस मेथड को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन रजिस्टर, इस रजिस्टर मेथड को कॉल करते वक्त हम पास करने वाले हैं फॉर्म डेटा, इसका मतलब नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो हमारे पास मींस डेटा होने वाला है, एक डेटा सेट होने वाला है, जिस सेट को रीड करने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स वाले टेबल में सेव करेंगे। सो डेटा को रिसीव करने के लिए, साथ ही साथ उस पर कोई वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ रिक्वेस्ट क्लास। सो रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे डेटा वैलिडेशन, साथ ही साथ उन सारे डेटास को जो हम सेंड करने वाले हैं इस मैथड को कॉल करते वक्त हम उन्हें रीड करेंगे। सो ये है मैथड डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर लॉग इन एपीआई, इसे भी हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन, फंक्शन नेम लॉगिन, और इसके अंदर भी जैसे कि हम पास करने वाले हैं ईमेल एंड पासवर्ड, और उसे भी रीड करने के लिए हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट क्लास एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं प्रोफाइल एपीआई मेथड, और ये मेथड हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल, और जो फाइनल मेथड होने वाला है हमारे इस एपीआई कंट्रोलर क्लास में, दैट इज फॉर लॉगआउट एपीआई। सो पब्लिक फंक्शन एंड लॉगआउट, और इस मेथड को भी हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो सक्सेसफुली हमने एपीआई कंट्रोलर क्लास क्रिएट किया, और उस एपीआई कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास वो सारे मेथड्स हैं जो हम इसी वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे और एपीआई को क्रिएट करने वाले हैं। सो फाइनली ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज एपीआई कंट्रोलर एंड मेथड सेटिंग्स, ये हमने डन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट पासपोर्ट ऑथ पैकेज इंस्टॉलेशन एंड सेटिंग्स। ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो एपीआई क्रिएट करने वाले हैं वो ऑथेंटिकेटेड एपीआई हैं। सो हमें एक ऑथेंटिकेशन सर्विस चाहिए, और इस फोर्थ नंबर पॉइंट को यूज करके हम उस सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फिगर करेंगे, रेडी करेंगे, ताकि हम उस सर्विस को यूज करके अपने एपीआई को क्रिएट कर सकें। सो सबसे पहले पासपोर्ट क्या है, मैं आपको बता दूं, ये पासपोर्ट वो नहीं है जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ट्रैवलिंग के वक्त यूज करते हैं। ये वो पासपोर्ट है जिसको यूज करके हम ऑथेंटिकेशन सर्विस को इनेबल करते हैं अपने एप्लीकेशन में, ताकि हम उन सर्विस को यूज करके हम प्रोटेक्टेड एपीआई को क्रिएट कर सकें। सो पासपोर्ट एक कंपोजर पैकेज है लावेल का, जिसे हम इंस्टॉल करके इसके सर्विस को यूज करते हैं, और सर्विस को यूज करने के बाद हम क्रिएट करते हैं प्रोटेक्टेड एपीआई, और कह लें प्रोटेक्टेड वेब एप्लीकेशन। सो इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, onlinewavetutorblog.com, ये हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं पासपोर्ट, मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही हमारे पास एक आर्टिकल है, लावेल 10 रेस्टफुल एपीआई विथ पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास एक सेक्शन है जैसे कि हाउ टू सेट अप पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन इन लारावेल। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और एक बार सही तरीके से हमने फॉलो कर लिया, सेटअप कर लिया अपने लारावेल के साथ, तो हम इस सर्विस को बिल्कुल इजी तरीके से यूज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप किया या मिस किया, तो हम उस सर्विस को यूज नहीं कर सकते और नहीं कर पाएंगे। So, सबसे पहला स्टेप है हमारा, जैसे कि ये कंपोजर कमांड है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि पासपोर्ट एक लावेल कंपोजर पैकेज है जिसे हम इंस्टॉल करके यूज करते हैं। सो यहां पर इस कंपोजर कमांड को मैं कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, और यहां पर हम उसे पेस्ट करने वाले हैं
कमांड है कंपोजर रिक्वायर लावेल फोर्सलेस पासपोर्ट। इंस्टॉलेशन के पहले अगर मैं जाऊं एडिटर में, हम ओपन करने वाले हैं कंपोजर डॉट जेसन फाइल। ये वो फाइल है जिस फाइल के थ्रू हम पीएचपी के डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कोई भी पासपोर्ट जैसा पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। सो एक बार हमने इसे इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन के बाद हम रीवेरीफाई करेंगे इस फाइल को और हम देखेंगे कि इस फाइल में क्या चेंजेस आए हैं। सो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ। एंटर प्रेस करते ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और सक्सेसफुली हम देख सकते हैं वो सेटअप, पासपोर्ट का सेटअप हमारे लावेल के सेटअप में इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद मैं जाऊंगा अपने एडिटर में और हम दोबारा से ओपन करने वाले हैं कंपोजर डॉट जेसन फाइल। अब इस बार हम देख पाएंगे इस रिक्वायर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक पैकेज है लावेल फॉर्सलेस पासपोर्ट। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसका मतलब कि हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2 और यहां पर हमें एग्जीक्यूट करना है एक माइग्रेशन कमांड, पीएचपी एडिशन माइग्रेट। ये एक बेसिक कमांड है हमारे लावेल एप्लीकेशन का, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद जितने भी माइग्रेशंस हमारे सेटअप में हैं जो माइग्रेट नहीं हुए हैं, उन सभी को माइग्रेट करके हम टेबल क्रिएट करेंगे। सो मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट टर्मिनल पे और सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लूं, पीएचपी एडिशन। और उसके पहले अगर मैं जाऊं अपने डेटाबेस के फोल्डर में, डेटाबेस माइग्रेशंस, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे माइग्रेशंस हैं। सो माइग्रेट कमांड को यूज़ करने के बाद हम इन सभी टेबल्स को क्रिएट कर सकेंगे। साथ ही साथ इस पासपोर्ट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा माइग्रेशन फाइल जनरेट हुई है, हम उसे भी इंस्टॉल करने वाले हैं। सो चलते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे और हम एग्जीक्यूट करते हैं पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट कमांड। सो पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हम देख पाएंगे कि हमारे पास, अगर मैं जाऊं वापस से फोल्डर स्ट्रक्चर, तो जो हमारे पास 4 माइग्रेशंस थे, बट इन 4 के अलावा हमारे पास दूसरे माइग्रेशन फाइल्स भी हैं, जैसे कि auth access tokens, auth auth codes, auth refresh tokens एंड क्लाइंट टेबल, साथ ही साथ पर्सनल एक्सेस टोकन्स। सो इसका मतलब हमारे पास काफ़ी ऐसे माइग्रेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुए हैं और ये माइग्रेशंस हमें मिले हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन पैकेज। नेक्स्ट हम क्रॉस वेरीफाई करने वाले हैं कि आफ्टर माइग्रेशन क्या हमारे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हुए हैं। मैं जाऊंगा डेटाबेस टेबल जो हमने क्रिएट किया था, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर। सो सक्सेसफुल तरीके से ये सारे टेबल्स जो हमने माइग्रेट किए हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे और हम कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 3। इस स्टेप में हमारे पास एक पासपोर्ट का कमांड है जिसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं यूजिंग पीएचपी आर्टिशन, और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद हम जनरेट करने वाले हैं पर्सनल एक्सेस टोकन। ये एक ऑथ क्लाइंट आईडी होगी, बिहाइंड द सीन हमारा जो पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस है इसको यूज करने वाला है, और यूज करने के बाद हम उस सर्विस के थ्रू अपने एपीआईस को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सो मैं इसे कॉपी करेंगे, सिंपल हम इसे कॉपी करने वाले हैं, प्रोजेक्ट टर्मिनल पे जाएंगे। और एक बात, ये जो कमांड है पीएचपी आर्टिशन पासपोर्ट इंस्टॉल, ये हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमने पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन पैकेज को हमने इंस्टॉल कर लिया होगा। अदरवाइज बिफोर इंस्टॉलेशन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते हम देख सकते हैं हमारे पास 2 सीक्रेट की जनरेट हुए हैं, क्लाइंट सीक्रेट 1 एंड क्लाइंट सीक्रेट फॉर क्लाइंट आईडी 2। सो सक्सेसफुली हमने स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 4। इस स्टेप नंबर 4 में हम कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं auth डॉट पी एच पी फाइल, और ये फाइल हमें मिलेगी कॉन्फिग फोल्डर में। सबसे पहले हम उसे ओपन करने वाले हैं, तो मैं जाऊंगा अपने कॉन्फिग फोल्डर में और हम ओपन करने वाले हैं auth डॉट पी एच पी। इसके बाद इस फाइल में हम सर्च करेंगे गार्ड्स, और इस गार्ड्स वाले एरे में हम ऐड करने वाले हैं एपीआई वाला सेक्शन। सो हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा इस auth डॉट पी एच पी, हम गार्ड्स को सर्च करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वेब जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम इसे यहीं पेस्ट कर देंगे। सो इस एपीआई के अंदर हमारे पास 2 की हैं, लाइक ड्राइवर प्रोवाइडर। इस ड्राइवर के अंदर है पासवर्ड, क्योंकि हम इस सर्विस को यूज करने वाले हैं एपीआई के लिए, और प्रोवाइडर इक्वल्स टू यूजर्स, क्योंकि जो हम ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे वो होगा हमारे यूजर्स टेबल के साथ।
अब ये एक प्रोवाइडर है, सो उस प्रोवाइडर को हम डिफाइन भी करने वाले हैं अपने प्रोवाइडर्स एरे में। सो हम देख पाएंगे इस प्रोवाइडर्स के अंदर जो की है यूजर्स, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। सो यहाँ पर इस कोड का मतलब है कि हमने API के लिए, इसका मतलब जो हम API क्रिएट करने वाले हैं पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके, सो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया प्रोवाइडर वो है यूज़र्स, और ये यूज़र्स है जो बेसिकली इंटरैक्ट करता है हमारे यूज़र्स डेटाबेस टेबल, क्योंकि ये मॉडल है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल, और ये मॉडल इंटरैक्ट होता है विद यूज़र्स टेबल। अगर मैं जाऊँ डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप्स पे, सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमें क्रॉस वेरीफाई करना था कि क्या प्रोवाइडर्स में हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं वो अवेलेबल है। अगर आपके केस में, इन केस अगर आपने कोई और मॉडल यूज़ करना हो, कोई और टेबल यूज़ करना हो फॉर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप यूज़र को स्टोर करने वाले हो, सिंपल उस टेबल को क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद हमें एक मॉडल क्रिएट करना है और उस मॉडल को इस मॉडल वाले लाइन में हमें ऐड करना है, सिंपल। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, स्टेप नंबर 5 है हमारे पास, अपडेट यूजर डॉट पी एच पी। जैसा कि हमने प्रोवाइडर्स में हमने यूज़ किया है यूज़र मॉडल, सो इस यूज़र मॉडल में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, उसे हम रिमूव करने वाले हैं और हम यूज़ करने वाले हैं पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन के सेटिंग्स को। सो हम जाने वाले हैं ऐप मॉडल्स और ओपन करेंगे यूज़र डॉट पी एच पी। सो यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन हम ऐड करने वाले हैं, दैट इज हैज़ API टोकन्स। हम इस फाइल में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक लाइन है हैज़ API टोकन्स, बट हम देख सकते हैं इट इज़ कमिंग फ्रॉम सैंक्टम। हम सैंक्टम ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे, और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट में दो और कंप्लीट कोर्सेज हैं, आप उनको भी देख के काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो अपने स्किल्स को और उन्हें भी पढ़ सकते हो। हमने दो कंप्लीट कोर्स और बनाए हैं इसके अलावा, जहां हमने देखा है लावेल के 10th वर्जन को यूज़ करके JWT के ऑथेंटिकेशन के साथ APIs कैसे क्रिएट करें, साथ ही साथ लावेल के वर्जन 10th को यूज़ करके सैंक्टम ऑथेंटिकेशन के साथ APIs कैसे क्रिएट करें। सो ऑलरेडी ये दोनों कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पे एग्जिस्ट हैं। सो इस वीडियो के बाद अगर आपका मन हो कि आपको अपने स्किल्स को इंक्रीज करना है, इन्हेंस करना है, एक्सटेंड करना है लावेल के फील्ड में, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। सो उसके बाद, क्योंकि हम सैंक्टम ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसे रिमूव करने वाले हैं और हम यूज़ करेंगे हैज़ API टोकन्स फ्रॉम पासपोर्ट। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस लाइन को सिंपल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट करने के बाद हमने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हैज़ API टोकन्स जो हमने यूज़ किया है, यहाँ हमने यूज़ किया है, और इस बार जो ये हैज़ API टोकन्स जो हमने यूज़ किया है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम पासपोर्ट। सो सक्सेसफुली हमने यूज़र डॉट पी एच पी को अपडेट कर लिया है। हमने ये बताया है कि हमने इस मॉडल को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया है, और इस मॉडल के थ्रू हम यूज़ करना चाहते हैं पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस। एंड आई होप कि जितने भी सेटिंग्स इस डॉक्यूमेंटेशन ने हमें बताए हैं, इस ब्लॉगिंग वेबसाइट ने हमें बताए हैं, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इट इज़ ओके, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सो एक बार सही तरीके से स्टेप 1 से स्टेप 5 तक अगर हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पास एक मिडलवेयर अवेलेबल होगा जिसे हम यूज़ करेंगे टू प्रोटेक्ट APIs। सो इन सभी स्टेप्स के बाद आपको एक मिडलवेयर मिलने वाला है, जैसे कि ऑथ API, और इस ऑथ API को आप यूज करोगे उन राउट्स के साथ जिन राउट्स को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सो यहां पर हमारे पास कुछ राउट्स हैं, जैसे कि रजिस्टर, लॉगिन, प्रोफाइल एंड लॉगआउट। सो इन दोनों राउट्स को हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, तो यहां पर इनको कॉल करते वक्त हम यूज करने वाले हैं एक मिडलवेयर, और वो मिडलवेयर होगा ऑथ API। रिमेंबर, ये मिडलवेयर आपके पास तभी अवेलेबल होगा जब आपने सही तरीके से पासपोर्ट को कॉन्फ़िगर किया होगा अपने लावेल एप्लीकेशन में। नाउ हम देखने वाले हैं, ये जो हमारा 4th नंबर स्टेप था वो सक्सेसफुल तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं ऑल अबाउट सेटअप API routes। अब हम यहाँ पर इस 5th नंबर पॉइंट को यूज़ करके हम API को सेट करने वाले हैं, और ये API वही API होने वाले हैं जिनको यूज़ करके हम यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं या लॉगआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं। मैं जाऊँगा एडिटर में, और यहाँ पर हम ओपन करने वाले API.php, और वो फाइल मिलेगी हमें राउट्स वाले फोल्डर में API.php। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मिडलवेयर है ऑथ सैंक्टम, बट यहां पर हम यूज करने वाले हैं ऑथ API। सो इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट कर दूंगा।
और उससे भी पहले मैं एक कंट्रोलर क्लास को इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसी कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। यूज एपीआई कंट्रोलर क्लास, ये वही कंट्रोलर क्लास है जो हमने क्रिएट किया है और इसी कंट्रोलर क्लास के अंदर हमने सारे मेथड्स को डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं अपने इस कंट्रोलर क्लास को, और यहां पर जो राउट्स हम क्रिएट करने वाले हैं वो दो सेट में होने वाले हैं। सबसे पहला होगा हमारा ओपन राउट्स और जो दूसरा होगा दैट इज प्रोटेक्टेड राउट्स। अब ये दोनों क्या हैं? सबसे पहले ओपन राउट्स एंड प्रोटेक्टेड राउट्स। अब ये ओपन राउट्स क्या हैं? सो ओपन राउट्स वो राउट्स हैं जिनको कॉल करने के लिए ना ही हमें कोई टोकन चाहिए और ना ही कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए। सो ये राउट्स होंगे हमारे रजिस्टर एपीआई एंड लॉगिन एपीआई। कहने का मतलब है कि इन दोनों APIs को कॉल करने के लिए ना ही हमें कोई टोकन पास करना है, ना ही यूजर के लॉगिन डिटेल्स हमें चाहिए। साथ ही साथ प्रोटेक्टेड APIs में वो APIs आएंगे जिनको एक्सेस करने के लिए, जिनको कॉल करने के लिए यूजर लॉगिन होना मैंडेटरी है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा रजिस्टर API URL। सो राउट मैं यूज़ करने वाला हूँ पोस्ट मैथड, क्योंकि हम अपने रजिस्टर मैथड को हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो रजिस्टर एरे सिंबल, इस एरे के अंदर हम पास करने वाले एपीआई कंट्रोलर क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास कॉमा, और इस डबल कोट्स के अंदर हम पास करने वाले हैं रजिस्टर मेथड। सो सक्सेसफुली हमने अपना फर्स्ट ओपन राउट क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से सेकेंड राउट हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि लॉग इन एपीआई के लिए। सो लॉग इन एरे एपीआई कंट्रोलर क्लास, और ये कॉल करेगी हमारे लॉग इन मैथड को। सक्सेसफुली ओपन राउट्स हमने डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम डिफाइन करने वाले हैं अपने प्रोटेक्टेड एपीआई मेथड्स को और उनके राउट्स को। सो राउट, लेकिन हम यहाँ एक ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेट ऑफ राउट हम क्रिएट करेंगे इनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि इनको कॉल करने के पहले यूजर का लॉग इन होना मैंडेटरी है। सो राउट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मैं यूज करने वाला हूँ ग्रुप मैथड, मैं पास करूँगा एक एरे। इस एरे के अंदर हमारे पास एक की होगा middleware, और जो middleware हम यूज करेंगे दैट इज auth API। रिमेंबर ये auth API वही auth API है जो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पासपोर्ट पैकेज और उनके सेटिंग्स करने के बाद जो हमें मिली है, अब हम इसे यूज करने वाले हैं। सो auth API सेकेंड पैरामीटर हम पास करेंगे अपने इस ग्रुप मैथड का, दैट इज कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं उन प्रोटेक्टेड एपीआई राउट्स को। सो राउट हम कॉल करने वाले हैं यूजिंग गेट मेथड, और गेट मेथड के थ्रू हम कॉल करेंगे अपने प्रोफाइल एपीआई को। सो प्रोफाइल, और इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी एपीआई कंट्रोलर क्लास में, एपीआई कंट्रोलर क्लास में, और उस कंट्रोलर क्लास से हम कॉल करने वाले हैं प्रोफाइल मैथड। सो थर्ड एपीआई राउट हमने रजिस्टर कर लिया है, और फाइनल होगा हमारे पास लॉग आउट के लिए, जिसे हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप एपीआई कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास से हम कॉल करेंगे लॉग आउट मैथड। सो सक्सेसफुली हमने एपीआई राउट्स भी सेट कर लिया है अपने इस डेवलपमेंट कोर्स का। सो ये जो हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट था ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो आप देख सकते हो कि जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं फ्रॉम 1 to 5 ये काफी इजी हैं, इनको आप इजी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके से जो हम APIs को क्रिएट करेंगे ये भी काफी इजी होने वाले हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में हमारा काफी एफर्ट लगता है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक भी कर दें, और आपको अगर वीडियो पसंद भी आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अब हम देखने वाले हैं रजिस्टर API कॉन्सेप्ट। रजिस्टर API क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा एडिटर में, और हम ओपन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इस मॉडल को क्लोज करूंगा, इस auth को भी क्लोज करूंगा, मैं जाने वाला हूं इस API कंट्रोलर क्लास, और हम काम करने वाले हैं इस रजिस्टर मेथड में। सो जैसा कि हम जानते हैं कि रजिस्टर API को यूज करके या कॉल करके हम यूजर को रजिस्टर करने वाले हैं। सो मैं यूजर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करना चाहूंगा यूजर स्टेबल, और उस यूजर स्टेबल को जो इंटरेक्ट करेगा, जिसके थ्रू हम कॉल करेंगे, वो होगा हमारा यूजर मॉडल। सो सबसे पहले मैं अगर जाऊं डेटाबेस में यूजर्स वाले टेबल में, सो यहाँ पर अगर इसके स्ट्रक्चर में देखूँ तो हम पास करने वाले हैं किसी भी यूजर को रजिस्टर करने के लिए नेम, ईमेल एंड पासवर्ड।
बट अगर आपके केस में अगर आपने कोई और फील्ड्स रखा हो लाइक जेंडर, फोन नंबर, डेजिग्नेशन, तो आप उनको भी एपीआई कॉल के दौरान पास कर सकते हो उन पैरामीटर्स को और सेव कर सकते हो। बट यहाँ पर फिलहाल हम देखने वाले हैं विथ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो मैं जाऊंगा एडिटर में और यहाँ पर सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। इसका मतलब इस मैथड को जो हमने हिट किया है तो जो भी क्वेरीज हम लिखने वाले हैं, जो भी लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उन लॉजिक्स को एग्जीक्यूट करने के पहले हमें कुछ डेटा जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। सो यहाँ यूज़ करने वाला हूँ मैं रिक्वायर्ड मीन्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और हम कॉल करने वाले हैं वैलिडेट मैथड। इस मेथड के अंदर हम पास करेंगे एक एरे और इसके अंदर हम उन सारे कीज़ को मेंशन करने वाले हैं जो हम रिक्वेस्ट के दौरान सेंड करेंगे और जो मैंडेटरी हैं। सो जैसे कि इस मेथड को कॉल करते वक्त हम पास करने वाले हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब इनके रूल्स को सेट करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट रूल है रिक्वायर्ड, इसका मतलब जो ये ईमेल फील्ड है या नेम फील्ड है ये रिक्वायर्ड हैं और ये भी रिक्वायर्ड हैं। साथ ही साथ इस ईमेल फील्ड के साथ हम कुछ और फॉर्म वैलिडेशंस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे कि ये जो ईमेल है ऑब्वियसली हमें पास करने से पहले एक वैलिड पैटर्न को भी चेक करना है, तो मैं एक सेकंड रूल यूज करने वाला हूँ। सेकंड रूल को अटैच करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पाइप सिंबल और उसके बाद हम टाइप करने वाले ईमेल। नेक्स्ट हम एक और रूल अप्लाई करने वाले हैं, सो मैं यूज करूंगा पाइप सिंबल और यहां पर हम टाइप करने वाले यूनिक कोलोन यूजर्स। इसका मतलब कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक यूज़र को किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से रजिस्टर किया है तो सेकंड टाइम अगर मैं वही ईमेल को दोबारा से यूज़ करूं किसी और यूज़र को रजिस्टर करने के लिए तो वो एरर देनी चाहिए। इसका मतलब ईमेल एड्रेस यूजर्स टेबल में हर एक यूज़र का यूनिक होगा। सो आफ्टर डेटा वैलिडेशन और एक और रूल अप्लाई करूँगा मैं इस पासवर्ड फील्ड के साथ पाइप और मैं यूज़ करने वाला हूँ कन्फर्म्ड। इस डेटा वैलिडेशन के बाद हम यूज करने वाले हैं सो डेटा वैलिडेशन, हम यूज करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर मॉडल और उस यूजर मॉडल के थ्रू हम कॉल करेंगे क्रिएट मेथड और हम यूजर को सेव करेंगे। सो यूजर मॉडल को यूज करने के पहले हम उसे इंपोर्ट करेंगे। सो यूज एप मॉडल्स मॉडल्स और मॉडल्स फोल्डर से हम कॉल करेंगे यूजर मॉडल। नेक्स्ट हम जाएंगे रजिस्टर मेथड के अंदर और हम कॉल करने वाले हैं यूजर कंट्रोलर क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और हम कॉल करेंगे क्रिएट मेथड। इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं एक एरे, इस एरे के अंदर हमें पास करना है की वैल्यू पेयर्स और यहां पर जो की होने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट टेबल कॉलम नेम्स। तो हमारे टेबल में जो कॉलम नेम्स हैं दैट इज नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब इनके वैल्यूज को रीड करने के लिए हम दोबारा से यूज करने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे नेम। इसका मतलब कि हमने रिक्वेस्ट के बॉडी से, रिक्वेस्ट के फॉर्म डेटा से हमने नेम वैल्यू को रीड किया है। नेक्स्ट हम जाएंगे इस ईमेल के लिए, सो रिक्वेस्ट एंड ईमेल। सो ईमेल वैल्यू पास करने के बाद हम पास करने वाले हैं पासवर्ड, सो रिक्वेस्ट और पासवर्ड। एक और बात इस पासवर्ड फील्ड के लिए वो ये जो वैल्यू हमने यहाँ रीड किया है ये एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, हम उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट डेटाबेस में सेव करने के पहले हमें करना है उसे इनक्रिप्ट। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? सो लावेल में हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे मैथड्स हैं जिनके थ्रू हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं या एक सिंपल से स्ट्रिंग वैल्यू को इनक्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैं सबसे प्रिफरेबल, जो हमारे पास एक फसाद होता है, जिस फसाद के कॉन्सेप्ट और उसके मैथड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बिल्कुल ईजी तरीके से एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को एक इनक्रिप्टेड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ एलिमिनेट, उसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट फोल्डर, उसके बाद हम जाएंगे फसाड्स फोल्डर और हम कॉल करने वाले हैं हैश ओ या बैकवर्ड स्लैश। एक बार हमने इसे लोड कर दिया इस हैश फसाद को, सो इस हैश फसाद से हम कॉल करेंगे मेक मेथड और उस मेक मेथड के जरिए हम इस प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को जो हमने यहाँ पास किया है हम उसे कन्वर्ट करेंगे एक इनक्रिप्टेड वैल्यू में। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा हैश और हम कॉल करने वाले हैं using scope resolution operator make method और यहाँ पर ये जो plain text value है हम इसे कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली डेटा वैलिडेट हो चुका है,
यूजर हमने क्रिएट करके सेव कर दिया है। और फाइनली जो हमें लास्ट यहाँ पर करना है दैट इज ऑल अबाउट रिटर्न और रिस्पॉन्स। हम एक रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं, सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मैथड। और इस जेसन मैथड के अंदर हम पास करने वाले एक एरे, सो स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो फाइनली जितने भी हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था इस रजिस्टर एपीआई मेथड का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं एक यूनिट टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग के लिए मैं ओपन करने वाला पोस्टमैन जो ऑलरेडी ओपन है, ये एक टूल है जिसे यूज करके हम एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन एपीआईज को टेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने वाले हैं हम। सो पीएचपी आर्टिशियन सर्व, हम देख पाएंगे हमारे डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हम इसे कॉपी करने वाले हैं, कॉपी लिंक, उसके बाद हम जाएंगे पोस्टमैन में, पेस्ट कर देंगे। और एक और बात, जितने भी APIs को हमने इस api.php में ऐड किया है उन सभी को कॉल करने के पहले हमें ऐड करना है API प्रीफिक्स। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी API को कॉल करना है तो जो हमारा URL जो सिंटैक्स बनेगा सबसे पहले होगा वो प्रोजेक्ट URL। सो प्रोजेक्ट URL /, उसके बाद हम पास करेंगे API जो प्रीफिक्स हमें ऐड करना है, उसके बाद हम पास करेंगे राउट नेम। सो यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं कॉल करना चाहूंगा रजिस्टर को, तो प्रोजेक्ट URL ऑलरेडी हमने पास कर दिया है /API और उसके बाद हम कॉल करेंगे रजिस्टर। ये इसे हम हिट करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। तो इस ड्रॉप डाउन से मैं सेलेक्ट करने वाला हूं पोस्ट। हम हेडर्स के अंदर जाएंगे और एक हेडर को ऐड करेंगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। इस हेडर को ऐड करने के बाद हम जाएंगे बॉडी में, फॉर्म डेटा को करने वाले हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने इस फॉर्म डेटा वाले सेक्शन में और हम पास करने वाले हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये वही फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी हैं जो हमने कोड में मेंशन किया है। इसे मैं सेव कर दूंगा। सो यहां पर वैल्यू पास करनी है। सो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट यूजर को क्रिएट करते हैं, नेम, ईमेल और यहां पर होगा हमारा पासवर्ड फ्रॉम 1 to 8। इसके पहले अगर मैं किसी फील्ड को पास न करूं, मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन, इसका मतलब कि हमने एपीआई को कॉल किया है विदाउट हैविंग एनी पैरामीटर, हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। बट यहां पर हमारे कोड में वैलिडेशन इंप्लीमेंटेड है तो होपफुली हम एरर भी देख पाएंगे। क्लिक ऑन सेंड बटन, तो यहां पर एरर्स हैं नेम फील्ड के साथ, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड के साथ, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड फील्ड के साथ भी हैं, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज को हमें पास करना है। हम सभी वैल्यूज को पास कर देंगे। साथ ही साथ अगर मैं ईमेल एड्रेस को पास करूंगा एक वैल्यू, और ये भी एक वैल्यू है बट ये इनवैलिड ईमेल पैटर्न है। अगर मैं क्लिक करूं सेंड बटन तो हमारे पास कुछ एरर्स हैं। इस एरर्स वाले ऑब्जेक्ट में फर्स्ट है हमारे ईमेल फील्ड के साथ और वो ही बता रही है द ईमेल फील्ड मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। इसका मतलब कि हमें एक वैलिड ईमेल पास करना है। साथ ही साथ हमारे पासवर्ड वाले फील्ड में भी एक एरर है, जैसे कि द पासवर्ड फील्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। अब इस एरर का क्या मतलब है? इस एरर का मतलब है कि हमने अपने पासवर्ड वाले फील्ड के साथ एक रूल को ऐड किया है कन्फर्म्ड। एक बार इस रूल को अगर हमने ऐड कर दिया अपने इस फील्ड के साथ, इसका मतलब कि हमें एक एक्स्ट्रा की को पास करना है अपने रिक्वेस्ट में और वो की होगा हमारा पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन। पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन क्यों? क्योंकि ये जो पासवर्ड है इसके साथ हमने ऐड किया कन्फर्म रूल को इस फील्ड के साथ। सो ये फील्ड फर्स्ट में आएगा अंडरस्कोर कन्फर्मेशन। उसके बाद इस फील्ड में हमें सेम वैल्यू पास करनी है जो हमने यहां पास किया है। अगर मैं कुछ और पास कर दूं तो हमारे पास सेम एरर मैसेज होगी। बट यहां पर अगर मैं पास करूं पासवर्ड इज फ्रॉम 1 to 8, इस बार हमने सही तरीके से सभी पैरामीटर्स को पास किया है। अगर मैं क्लिक करूं सेंड बटन तो हम देख पाएंगे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊं डेटाबेस में, क्लिक ऑन ब्राउज, तो
तो हम देख पाएंगे हमारा जो फर्स्ट यूजर था वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ इस पासवर्ड फील्ड पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पर हमने पास किया एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू, बट वो जो हैश फसाद हमने यूज किया था उसके मेक मैथड को यूज किया था उसने कन्वर्ट कर दिया इस प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को एक इनक्रिप्टेड वैल्यू फॉर्मेट में। सो सक्सेसफुली यहां पर हमने कंप्लीट किया रजिस्टर यूजर एपीआई। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट लॉगिन एपीआई कॉन्सेप्ट। सो मैं जाऊंगा एडिटर में और हम ओपन करने वाले हैं लॉगिन मेथड, और इस मेथड को हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। इस मेथड को कॉल करते वक्त रिक्वेस्ट में जो हमें पैरामीटर्स पास करने हैं दैट इज ईमेल एंड पासवर्ड। सो सबसे पहला स्टेप हमारा होने वाला है इज ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन। सो यहां मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, मैं कॉल करने वाला हूँ वैलिडेट मेथड और इसके अंदर हम पास करने वाले ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि हमें यही दोनों वैल्यूज चाहिए अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो ये है रिक्वायर्ड। साथ ही साथ ये जो ईमेल हम पास करने वाले हैं एक वैलिड ईमेल पैटर्न होना चाहिए। उसी तरीके से पासवर्ड ये रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा। आफ्टर डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुल तरीके से हमने रिक्वेस्ट में पास कर दिया है ईमेल एंड पासवर्ड, उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन को चेक करना है। कहने का मतलब है कि जो भी ईमेल एंड पासवर्ड हमने रिक्वेस्ट में सेंड किया है अब उन डिटेल्स के बदौलत हमें ये चेक करना है क्या वो यूज़र हमारे डेटा में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑथ फसाद, हम उसे इम्पोर्ट करने वाले हैं। सो यूज एलिमिनेट, उसके बाद हम जाएंगे सपोर्ट वाले फोल्डर में सपोर्ट, नेक्स्ट हम जाएंगे फसाड्स के अंदर और हम यूज करेंगे ऑथ फसाड। एक बार हमने इसे इंपोर्ट कर लिया सो इस फसाड को कॉल करके हम कॉल करने वाले हैं अटेम्प्ट मेथड, और उस अटेम्प्ट मेथड के अंदर हम पास करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड। ऑटोमेटिकली अगर वो यूजर एग्जिस्ट करता होगा विथ वैलिड डिटेल्स तो हम एक ऑब्जेक्ट या मीन्स हमारे पास एक ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारे पास एक फॉल्स रिस्पॉन्स होगा। सो इस केस में यहां पर मैं यूज करने वाला हूं इफ एल्स ब्लॉक। सो इफ ऑथ फसाद, और इस ऑथ फसाद को यूज करके हम कॉल करने वाले हैं अटेम्प्ट मेथड, और इस अटेम्प्ट मेथड के अंदर हम पास करेंगे एक एरे, और इस एरे में हमारे पास कीज होंगे लाइक ईमेल एंड पासवर्ड। सो इस ईमेल वैल्यू को रीड करने के लिए हम जाने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में और कॉल करेंगे ईमेल वैल्यू। साथ ही साथ पासवर्ड फील्ड के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और हम रीड करने वाले हैं पासवर्ड। सो एक बार हमने ईमेल वैल्यू और पासवर्ड फील्ड को पास कर दिया इस अटेम्प्ट मेथड के अंदर और ये यूजर इस वैलिड डिटेल्स के साथ एग्जिस्ट करता है हमारे यूजर्स टेबल में, सो इसका जो रिटर्न रिस्पॉन्स होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज हमारे पास एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगा। सो यहां पर हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट है, यूजर एग्जिस्ट, अदरवाइज हम जाएंगे अपने एल्स ब्लॉक में और यहां पर हम एक रिटर्न करने वाले रिस्पॉन्स को रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मेथड, और इसके अंदर हम पास करेंगे एरे स्टेटस फॉल्स वैल्यू के साथ, और जो हमारा मैसेज होने वाला है दैट इज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इस इफ ब्लॉक में, इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट है, तो सबसे पहले हम उसके डेटा को गेट करना चाहेंगे। सो यूजर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑथ हेल्पर फंक्शन मीन्स ऑथ फसाद, और यहां पर हम कॉल करने वाले हैं यूजर मेथड। इस लाइन ऑफ कोड के जरिए जो हमने ऑथेंटिकेट किया है यूजर को, उस यूजर के प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को हम रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जो हम डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर वो सिंपल वैल्यूज नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है और वो होगा हमारा यूजर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करने वाले एक मेथड को, जो मेथड हम यूज कर पाएंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ पासवर्ड। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है तो उस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया है लेकिन मॉड्यूल्स के साथ आपने वो सेटिंग नहीं की जो हमने देखा है, सही तरीके से सेटिंग्स नहीं किया है आपने, तो आप इस मेथड को भी उस केस में यूज नहीं कर पाओगे। सो यहां पर यूजर मॉडल मैं यूज करने वाला हूं क्रिएट टोकन मेथड, और इस क्रिएट टोकन मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं अपना टोकन नेम। सो मैं रखना चाहूंगा
माय टोकन, और उसके बाद जबकि हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है तो इस लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम टोकन वैल्यूज को रिसीव कर सकते हैं, बट वो काफ़ी फॉर्मेट्स में होंगे। सो यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्मेट होता है हम उसे रीड करना चाहेंगे और वो होगा हमारा एक्सेस टोकन। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने एक यूजर मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस मॉडल के थ्रू हमने क्रिएट टोकन को मैथड को कॉल किया, यहाँ से हमने एक टोकन नेम भी पास किया, साथ ही साथ हम एक टोकन को जनरेट करने वाले हैं, हम उसे रीड करने वाले हैं, और रीड करने के बाद हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं कॉल्ड टोकन, और यहाँ से हम एक रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं, सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ पर मैं पास करूँ एरे स्टेटस equals to true, message equals to login successful, साथ ही साथ जो most important key होने वाला है हमारे इस response का that is token, और इस token में हम store करने वाले हैं token variable, और इस variable के अंदर हमारे पास होने वाला है access token। Successfully ये complete concept है हमारे login API method का। अब हम इसे quick testing करने वाले हैं, so मैं जाऊँगा postman में, हम इस URL को copy कर लेते हैं, मैं एक न्यू टैब को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, आफ्टर एपीआई प्रीफिक्स हम पास करने वाले हैं लॉगिन, मैं जाऊंगा इस हेडर्स टैब में और हम पास करने वाले हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, एक बार हमने इसे पास कर दिया, नेक्स्ट हम जाएंगे बॉडी टैब में फॉर्म डेटा के अंदर और हम पास करने वाले हैं इस एपीआई के कॉल के साथ दैट इज ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और इसके अंदर हमें वैलिड वैल्यूज को पास करना है, अगर हमने इन वैल्यूज को पास नहीं किया क्लिक ऑन सेंड बटन तो हमारे पास वैलिडेशन एरर मैसेजेस हैं, बट हम वैल्यूज को पास करने वाले हैं। सो मैं इसी ईमेल को यूज करूंगा जिसके थ्रू हमने यूजर को रजिस्टर किया था, अगर मैं इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद मैं इसे पास कर दूंगा, और अगर मैंने पासवर्ड में कुछ रॉन्ग वैल्यूज को फिल कर दिया क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे invalid login details। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमने auth attempt यूज किया है इसने रिटर्न किया एक फॉल्स रिस्पॉन्स, जिसके वजह से हम गए इस else block में और हमारे पास ये रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट हम पास करने वाले एक वैलिड वैल्यू, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन तो हम देख पाएंगे लॉगिन सक्सेसफुल, और एक बहुत बड़ी वैल्यू है और ये है हमारा पासपोर्ट टोकन। इसी पासपोर्ट टोकन, इसका मतलब ये एक्सेस टोकन है, इसी एक्सेस टोकन को यूज करके हम कॉल कर सकते हैं अपने प्रोटेक्टेड एपीआईस को, जैसे कि यहां पर जो एपीआईस हमने क्रिएट किया है प्रोफाइल लॉगआउट, इनको एक्सेस करने के लिए हमें एक मिडलवेयर के थ्रू क्रॉस करना होगा, हमें इस बैरियर को पास करना होगा, सो पास करने के लिए हमें पासपोर्ट टोकन पास करना होगा अपने इन एपीआईस को कॉल करने के पहले, साथ ही साथ ये जो पासपोर्ट टोकन है जब हम इसे पास करेंगे तो ये एक वैलिड टोकन होना चाहिए। सो सक्सेसफुली गाइस हमने एक और एपीआई कंप्लीट कर लिया है दैट इज लॉगिन एपीआई। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल अबाउट प्रोफाइल एपीआई। सो प्रोफाइल एपीआई एक प्रोटेक्टेड एपीआई है जिसे हम हिट करने के लिए हम पास करेंगे एक वैलिड टोकन इनसाइड हेडर। सो मैं जाऊंगा इस एपीआई कंट्रोलर में, और उसके पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक और चीज के बारे में डिस्कशन कर लूं कि जैसा कि हम जानते हैं ये जो दो राउट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, इन्हें कॉल करने के पहले हमें पास करना है अपने रिक्वेस्ट में एक टोकन वैल्यू, अगर टोकन वो गलत हो, मिसमैच हो या किस तरीके का एरर हो उस टोकन में तो हम वहीं से रिटर्न हो जाएंगे फ्रॉम दिस मिडलवेयर। उस केस में किसी एरर की वजह से हम इन राउट्स को कॉल नहीं कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली ये मिडलवेयर हैंडल करने वाला है, बट एक बार हमने सही तरीके से टोकन वैल्यू को पास कर दिया उसके बाद हम इस मेथड को हिट करेंगे और इस मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं ऑथ फसाद, और उस ऑथ फसाद के जरिए हम रीड करेंगे यूजर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। सो यहां पर यूजर, अगर मैं यूज करूं ऑथ और कॉल करूं यूजर मेथड, तो हम इस यूजर मेथड को कॉल करके प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं जैसा हमने यहां किया था। बट यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑथ फसाद यूज नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है, हम यूज कर सकते हैं ऑथ हेल्पर फंक्शन, बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स होगा, बट उस केस में हम क्या कर सकते हैं यूजर इक्वल्स टू ऑथ और हम कॉल करने वाले हैं यूजर मैथड। सो यहां पर हमने एक क्लास को कॉल किया है
क्लास के बाद हमने पास किया स्कोप रिलेशन ऑपरेटर और यहाँ पर कॉल किया स्टैटिक मेथड, बट यहाँ पर हमने कॉल किया एक हेल्पर फंक्शन के जरिए यूजर मेथड को। सो अगर हम इस लाइन को कमेंट कर दें, बिल्कुल सेम रिस्पांस होने वाला है हमारे दोनों लाइन्स के कोड को। सो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे, सो स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू और मैसेज इक्वल्स टू प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, और जो थर्ड है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजर डेटा। सो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से जो हमने टोकन जनरेट किया है इनसाइड लॉगिन एपीआई, अगर हमने उसे पास किया अपने प्रोफाइल एपीआई को कॉल करते वक्त और वो टोकन वैल्यू अगर वैलिड है, तो हम आएंगे इस मेथड के अंदर और हम ऑथ हेल्पर फंक्शन को यूज़ करके यूज़र के डेटा को हमने रीड किया है, इसके अंदर स्टोर किया है और उन सारे डेटा को हम पास करने वाले हैं अपने रिस्पॉन्स में। सो अगर मैं सेव कर दूँ, सेव करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, हम इस एपीआई वैल्यू को कॉपी करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट यूआईएल एपीआई और जो ये पाथ है हमारा दैट इज प्रोफाइल एपीआई, हम इसे हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। और हम जाएंगे हेडर्स में, जो फर्स्ट हेडर है हम इसे पास करेंगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन जेसन। साथ ही साथ हमें एक और हेडर पास करना है विथ नेम ऑथराइजेशन। अगर हमने वो हेडर पास नहीं किया, इसका मतलब कि हम इन प्रोटेक्टेड एपीआईस को कॉल नहीं कर सकते। सो हम क्लिक करते हैं, हम देख पाएंगे अनऑथेंटिकेटेड। सो ये जो रिस्पांस है वो यहीं से हैंडल हुआ है, इसी ने रिटर्न किया है। अगर हम इस मेथड को हिट कर सकते तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स होता। अब हम फटाफट से एक टोकन पास करने वाले हैं। सो हम जाएंगे लॉगिन एपीआई में, इस बड़ी सी टोकन वैल्यू को हम कॉपी करने वाले हैं। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अगर मैं जाऊं इस हेडर के अंदर और हम पास करने वाले हैं ऑथराइजेशन की बियरर स्पेस, मैं पास करूंगा टोकन वैल्यू और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेंड बटन। उससे पहले अगर मैं थोड़ा मिस्टेक कर दूं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस टोकन के जो फर्स्ट कैरेक्टर ई अगर मैं रिमूव कर दूं, ई को मैंने रिमूव कर दिया, क्लिक ऑन सेंड बटन, अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि ये जो टोकन हमने पास किया है ये एक इनवैलिड टोकन वैल्यू है। अब मैं पास करने वाला हूँ ई कैरेक्टर, ई कैरेक्टर जो कि एक वैलिड टोकन है। अब हम क्लिक करने वाले सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, और हमारे पास एक डेटा वेरिएबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये यूजर मॉडल ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये सारे कीज हैं। साथ ही साथ अगर हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रीड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल दिस आईडी वैल्यू, तो हम जाएंगे अपने कोड में और यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी, सो हम रीड कर पाएंगे। हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, अगर मैं इसी मॉडल ऑब्जेक्ट को यूज कर लूँ, यूजर एरो ऑपरेटर एंड आईडी, अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो हम देख पाएंगे यूजर आईडी इक्वल्स टू 1। बट वहीं पे अगर मैं कॉल करूं हमारा जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज ऑथ हेल्पर फंक्शन, हम कॉल करेंगे यूजर मेथड और उसके बाद हम कॉल करेंगे आईडी प्रॉपर्टी। अगर मैंने सेव कर दिया, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे वही सेम रिस्पॉन्स है। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि इसके अंदर कौन सा वैल्यू है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट कर लूं अपने रिस्पॉन्स के साथ, प्रिंट आर यूजर ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे ये एक यूजर मॉडल ऑब्जेक्ट है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने एक और एपीआई कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं जाऊँ अपने स्लाइड में, सो यहाँ पर इस लिस्ट से हमने एक और एपीआई कंप्लीट कर लिया है, दैट इज प्रोफाइल एपीआई। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट एपीआई कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल अबाउट लॉगआउट एपीआई। अब ये लॉगआउट एपीआई क्या है? लॉगआउट एपीआई का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, अगर हमने प्रेस किया है साइन आउट बटन पे या लॉगआउट बटन पे, तो जो यूजर का सेशन होता है, जो हमने स्टोर किया होता है, उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। अगर एक बार हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब वो यूजर हमारे किसी भी प्रोटेक्टेड एपीआई को कॉल नहीं कर सकता। सो यहां पर हम उसी कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस प्रिंट आर को रिमूव कर देंगे हम। रिमूव करने के बाद मैं जाऊंगा इस लॉगआउट एपीआई में। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो लॉगआउट एपीआई मैथड है वो भी एक प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब इसे हम कॉल करने के लिए हम पास करने वाले हैं पासपोर्ट टोकन वैल्यू इनसाइड हेडर। सो वहां से उस टोकन वैल्यू के थ्रू हम इस मेथड के अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज
यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार अगर हमने यहाँ चले गए, हम इस लॉगआउट मेथड के अंदर आ गए, तो यहाँ पर हमें उस टोकन वैल्यू को डिस्ट्रॉय करना है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑथ हेल्पर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। मैं जाऊँगा इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर और हम इसके टोकन को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम उसे डिलीट करने वाले हैं। सो रिवोक। सो सक्सेसफुली ये जो लाइन ऑफ कोड है ऑथ हेल्पर फंक्शन को यूज़ करके हमने यूज़र ऑब्जेक्ट को रीड किया, उसके टोकन को रीड किया और उसे हमने डिलीट किया। सो यहाँ पर अगर हम रिटर्न कर दें रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मैथड, मैं पास करूँगा एरे और उस एरे के अंदर स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली। सो फाइनली ये हमारा लॉग आउट रिस्पॉन्स है, हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम करने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग। मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, हम इस प्रोफाइल एपीआई को कॉपी करते हैं, एक नया टैब ओपन करते हैं, हम सेलेक्ट करने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट टाइप जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पर हम चेंज करेंगे प्रोफाइल के प्लेस पर हम टाइप करने वाले हैं लॉग आउट। साथ ही साथ हम जाएंगे हेडर्स के अंदर, हम पास करने वाले हैं एपीआई हेडर्स। सो एप्लीकेशन जेसन, नेक्स्ट हम पास करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एपीआई को कॉल करने के लिए, दैट इज ऑथराइजेशन हेडर। सो अगर हमने पास नहीं किया क्लिक ऑन सेंड बटन, हम देख पाएंगे अनऑथेंटिकेटेड। सो यहाँ पर अगर मैं इसी टोकन वैल्यू को कॉपी कर लूँ जो हमने प्रोफाइल के अंदर पास किया है, हम जाएंगे लॉगआउट एपीआई मैथड और यहाँ हम पास करने वाले हैं ऑथराइजेशन की और ये रहा हमारा टोकन वैल्यू। सो बियरर स्पेस टोकन वैल्यू। सो यहाँ पर एक बार हमने सही तरीके से सही टोकन के साथ क्लिक किया सेंड बटन पे, तो इस कोड के थ्रू हमने टोकन को डिलीट किया है और अगर टोकन डिलीट हो जाता है तो उसके बाद हम इसी टोकन को किसी दूसरे एपीआई में यूज नहीं कर सकते। सो हम क्लिक करने वाले सेंड बटन, हम देख पाएंगे यूजर लॉग आउट सक्सेसफुली। अब हमने इसी टोकन को यूज किया है प्रोफाइल एपीआई में, थोड़ी देर पहले हमने इसी टोकन से वैल्यूज को रीड किया था, बट अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन जो कि अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम देख पाएंगे अनऑथेंटिकेटेड। सो सक्सेसफुली गाइज ये थी हमारी कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग आउट एपीआई। सो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इस कोर्स को भी कंप्लीट कर लिया है, हमने उन सभी चीज़ों को डिस्कशन किया जिसके थ्रू हम और जिसको सीखने के बाद हम एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड लावेल यूजिंग पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉलो किया होगा हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना मिस किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपने एपीआई क्रिएट कर लिया होगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो था ये डेडिकेटेड वीडियो था पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन के ऊपर, पर जैसा कि मैंने बताया इसके अलावा हमारे पास दो ऑथेंटिकेशन और होते हैं जैसे कि सैंक्टम ऑथेंटिकेशन एंड JWT ऑथेंटिकेशन। सो अगर अपने स्किल्स को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ और सीखना चाहते हो इस लावेल के डेवलपमेंट फील्ड में, तो सिंपल इस YouTube चैनल पे जो हमारा YouTube चैनल है इसके प्लेलिस्ट पे इसके वीडियोस वाले सेक्शन में हम देख पाएंगे दो और वीडियोस जैसे कि सैंक्टम ऑथेंटिकेशन API को यूज़ करके मींस उसके सर्विसेज को यूज़ करके APIs को कैसे क्रिएट करें। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वह JWT ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके हम APIs को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर एक बार अगर सही तरीके से आपने सीख लिया तो सैंक्टम ऑथेंटिकेशन हो या पासपोर्ट हो या JWT हो, आप इन सभी सर्विसेज को यूज करके APIs बिल्कुल इजी मेथड्स के साथ आप क्रिएट कर सकते हो। सो आपने देखा है इस वीडियो को बनाने के पहले हमारा काफ़ी एफर्ट लगता है, हमने काफ़ी एफर्ट लगाया है ताकि आपको सभी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हम सिखा पाएं। सो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।